पहली खबर, गर्मी के मौसम का असर बढ़ने के साथ ही लोगों में रोगों की आहट भी सुनाई देने लगी है। गुरुवार को सदर अस्पताल में कई ऐसे रोगी इलाज को लेकर पहुंचे जिनमें उल्टी, दस्त, पेट खराब या फिर सर्दी जुखाम जैसे लक्षण पाए गए। अस्पताल में मिले आंकड़ों के अनुसार सामान्य ओपीडी में दोपहर 12:30 तक कुल 150 मरीज इलाज को लेकर पहुंचे थे। इनमें से करीब 20 मरीज उल्टी, दस्त या फिर गर्मी जनित अन्य रोगों से पीड़ित थे। ऐसे ही हाल शिशु ओपीडी का रहा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर श्याम बहादुर प्रसाद ने बताया कि पहले की अपेक्षा में इन दिनों इस तरह के रोगों से पीड़ित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा स्थिति में 15% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि आने वाले दिनों में गर्मी के बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अगली खबर, छपरा जिले के मढ़ौरा निवासी हरेराम राय के पुत्र राहुल कुमार को रविवार को यूपी पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई। गौराओपी के प्रभारी नित्यानंद सिंह ने बताया कि यूपी के आगरा जिला अंतर्गत हरपर्वत थाना की पुलिस यहां आई थी और किसी साइबर क्राइम के मामले में अगहरा निवासी हरेराम राय के 19 वर्षीय पुत्र इंटर का छात्र राहुल कुमार को उठाकर अपने साथ ले गई। राहुल को घर से उठाकर बिना कोई कारण बताए यूपी पुलिस द्वारा ले जाने के बाद राहुल के परिजन व ग्रामीण काफी सशंकित है। राहुल को अचानक उठा ले जाने का कारण जानना चाहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार राहुल अपने पिता के पास बचपन से ही गुजरात में रहता था। पिछले करीब 3 साल से मढ़ौरा स्थित अगहारा अपने गांव पर रह रहा है और यहां रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहा था। आगरा पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर आगरा ले जाने की बात से घर वालों के साथ साथ गाँव वाले भी काफी आश्चर्यचकित है। इस गिरफ्तारी के बारे में गौड़ा ओपी पुलिस भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। अगली खबर, भागलपुर IIIT और इंजीनियर कॉलेज कंपनियों की जरूरत के हिसाब से नए नए विषय जोड़कर छात्रों को पढ़ा रहा है। इस सत्र से भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग और एमटेक इन ऑफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए सिलेबस सहित अन्य रूपरेखा पर काम चल रहा है। इस बार के ऑल इंडिया रैंकिंग से इसमें नामांकन लिया जाएगा। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता ने कहा कि नामांकन से पहले की सारी तैयारी चल रही है। कंपनी की जरूरत के हिसाब से ही कोर्स डिजाइन करके छात्रों को पढ़ाया जा रहा है ताकि छात्रों को 100% प्लेसमेंट मिल सके। अगली खबर, पटना के PMCH से हरियाणा के शराब माफिया कमल सिंह को भागने के मामले में हथियार के साथ पकड़े गए दीपक पर पटना पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। तिहाड़ जेल में बंद दीपक को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस जल्द ही कोर्ट में आवेदन देगी। पूछताछ में दीपक ने पटना पुलिस को कमल सिंह को भगाने में शामिल रहे 3 अन्य आरोपितों के नाम भी बताए हैं जिनके आधार पर पटना पुलिस दबिश देने में जुटी है। शराब माफिया कमल सिंह और उसे भगाने वाले 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस ने हरियाणा में छापेमारी की। पुलिस ने सोनीपत और पानीपत में स्थानीय पुलिस की मदद से शराब माफिया कमल सिंह, अमन कुमार मिथिलेश व 3 अन्य के ठिकाने पर दबिश दी पर लेकिन वे फरार मिले। इन शराब माफियाओं का ठिकाना दिल्ली के रोहिणी में था। इसी इलाके से कमल को भगाने वाले दीपक पकड़ा जा चुका है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में दीपक ने कमल सिंह को भगाने वाले शामिल रहे आरोपितों के नाम व मोबाइल नंबर की जानकारी दिल्ली में मौजूद पटना पुलिस को दिए हैं लेकिन आरोपितों के नंबर बंद हैं।